रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल रेडियो उड़ान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने जो चीज सीखी है, या कहूं कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, वो था कि क्या किस तरह के पैटर्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं नंबर सीरीज को लेकर। यहां तक ठीक है? आप इसको नंबर सीरीज का पार्ट टू या सीरीज पार्ट टू कहें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग सीरीज पार्ट टू लेकर चलेंगे, ओके? सीरीज कंप्लीशन कह लो या सीरीज कह लो ओनली तो काफी रहेगा। सीरीज पार्ट टू में हम लोग एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि नंबर सीरीज का एक एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नंबर सीरीज एक्चुअल में मैं किस मामले में बात कर रहा हूं। एक सीरीज है आपके सामने 1, 6, 15 क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91। नाउ यू हैव टू टेल कि क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या नंबर आएगा। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं, 0, 6, 24, 60, 120, 210 क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह के जो सीरीज है वो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, और इन प्रश्नों की संख्या 4 से 5 तक हो जाती है एक एग्जाम के अंतर्गत। इससे ऊपर भी हो सकती है, 4-5 तो नॉर्मली वो लोग पूछते हैं, चाहे नंबर सीरीज हो, अल्फा सीरीज हो, या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो। अल्फा मतलब अल्फावेट की सीरीज हो, या अल्फावेट और न्यूमेरिक को मिलाकर सीरीज हो, ऐसे प्रश्न आपके 4 से 5 तो निश्चित रूप से रहते ही हैं, जो आपकी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इनमें से हो सकता है टफ होता है, बाकी सब इजी होते हैं, ठीक है? इसलिए यहां पर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है, ध्यान से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे आगे, ठीक है? सबसे पहली चीज, आपको सब्ट्रैक्शन रूल सबसे ज्यादा अपनाना है, और सबसे पहले अपनाना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है? पहली बात एक चीज और समझिए कि सीरीज का अर्थ है क्या। सीरीज का अर्थ यहां होता है एक पैटर्न, कि कहीं ना कहीं कोई पैटर्न अपनाया हुआ होता है। हो सकता है कि सभी का अंतर समान हो, ठीक है? जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं एक सीरीज की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और अगला पूछू आपसे क्या आएगा, तो आप आसानी से बता दोगे 11। क्यों आपने 11 बताया? क्योंकि आपने एक पैटर्न देखा। कैसा पैटर्न देखा? कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। या दूसरे रूप में कहें कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, मतलब उससे पहले वाले को हम यदि माइनस कर देंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है पूरे में। इसका मतलब ये एक पैटर्न है। चलिए एक और सीरीज में आपको देता हूं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्वेश्चन मार्क। अब भी आप आसानी से बता दोगे 13 आएगा। क्यों आपने बताया? आपने देखा सब में 2-2 का गैप है, राइट? आपने देखा कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यानी कि आप या उल्टा बोल सकते हैं कि 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 11 के बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 11 में कितने जोड़ेंगे 2, कितना हो जाएगा 13, 13 आपने बोल दिया आंसर। आपने कहीं ना कहीं किसी पैटर्न को अपनाया। यह जो सीरीज होती है वो किसी ना किसी पैटर्न पर अपनाई हुई होती है। एक और एग्जांपल देता हूं,
आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आगे जब हम सीरीज को मेन सीरीज पे आगे बढ़ेंगे या प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे तब आपको एहसास होगा कि हम लोग जो हमने अभी अभ्यास कर रहे हैं वो कितना काम आएगा। चलिए एक सीरीज आपको देता हूं, 3, 6, 9, 12, 15 क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज में नोट कर सकते हो कि यहां पर 3 की टेबल पढ़ी जा रही है या फिर यो कह लो कि 3 का डिफरेंस है, बात एक ही है। इसको हम यो भी देख सकते हैं कि यहां एक 3 की टेबल पढ़ी जा रही है, 3, 6, 9, 12, 15 क्या आएगा फिर 18। तो इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे। 3 की टेबल का अर्थ क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया और बढ़ते हुए नंबर में किया। आपने ऐसा नहीं है ना सब में 1 का मल्टीप्लाई किया हो, आपने बढ़ते हुए नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब सबसे पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, देन 2 से किया, देन 3 से किया, देन 4 से किया, देन 5 से किया, और अब आप 6 से करोगे। बढ़ते हुए क्रम में आपने मल्टीप्लाई किया। यहां तक आपको क्लियर होगा, मैं आपको सीरीज के रूप बता रहा हूं किस किस रूप में सीरीज को ढाला जाता है, ठीक है। एक बार यदि आपने इस रूप को पकड़ लिया तो विश्वास मानिए फिर आप आसानी से कवर कर जाएंगे। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं, एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके, वाह, एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा, कीजिए बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है, तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, आमी बांग्ला आवाज पाया। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. వణకం, నాన్ తమిళిన కురల్ వాణి. నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూం. హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं, तो बनता है इंडो NVDA. तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली 110060। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम
काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। एक और सीरीज में आपको अब देता हूं, 1 2 4 7 11 ? 1 2 4 7 11 ? ध्यान से देखिए, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस था? 1 का। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 7 और 11 का डिफरेंस क्या है? 4। तो अब कितने का डिफरेंस आएगा? सबसे पहले 1 का डिफरेंस था, देन 2 का, देन 3 का, देन 4 का। अगला डिफरेंस कितने का होगा? 5 का। यानी 11 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 16। अगला नंबर आएगा 16। इस बात को आप कैच कर रहे होंगे कि किस तरीके से सीरीज ढल रही है। मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा लेंदी ले जाऊंगा ताकि मैं जो समझाना चाहता हूं वो मैं एक ही बार में फ्रेम में समझा दूं। ओके, अगर क्रम टूटेगा मेरा तो मुझे भी दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि जो चीज आपको समझनी चाहिए वो जब तक क्लियर नहीं होगी मैं नहीं रोक पाऊंगा। ठीक है, समझिए आराम से। ये डिफरेंस आपके कैसे क्रिएट हुए? पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 4 का, सॉरी फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। कहीं ना कहीं एक पैटर्न मिला आपको अंतर को क्रिएट करने का। चलिए एक और सीरीज हम करते हैं, 1 4 9 16 25 ? 1 4 9 16 25 ? ये सारी सीरीज मैं अपने ही अनुभव से आपको बता रहा हूं। अभी मैं किसी बुक का सहारा नहीं ले रहा हूं, ताकि मैं आपको सबसे पहले अपने अनुभव शेयर कर दूं कि किस तरह के प्रश्न आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं तो आपको उनसे कैसे निपटना है। राइट, चलिए समझिए आगे। ये जो सीरीज मैंने आपके सामने रखी, याद कीजिए कि ये एक स्क्वायर की सीरीज है। ये एक स्क्वायर की सीरीज है, मतलब 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36। यानी कि आपकी सीरीज क्या थी? 1 4 9 16 25। तो अगला नंबर क्या आएगा? 36। इससे एक बात और स्पष्ट होती है आपकी कि जो आप स्क्वायर क्यूब्स याद करेंगे वो आपका सीरीज मैप काफी मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि तो अक्सर आप देखेंगे 1 4 9 16 25 की सीरीज, इस तरह की सीरीज एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछ ही लेता है। यह हो सकता है कि 11 से स्टार्ट कर दे, 121 169 225, बताओ अगला नंबर क्या होगा? मैंने क्या बोला? 121 169 225। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। देखिए, सबसे पहले 11 का स्क्वायर था, फिर 13 का, फिर 15 का, गैप चल रहा है ना। तो अगला स्क्वायर किसका आएगा? 17 का। 16 का नहीं आएगा, 17 का आएगा, क्योंकि एक का गैप रखना है, और 17 का स्क्वायर हो क्या हो जाता है? 289। इस तरह के प्रश्नों को वह आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, इस बात का आप निश्चित तौर पर मानकर चले। इसमें कहीं संदेह नहीं है कि आपसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, लाइट ऑफ लाइफ। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन कंटेस्टेंट नंबर 4।
से तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच वी लिव। इट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। गुड और बैड क्वालिटी ऑफ सोशल लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। Braille is a key towards independent life for the blind. Radio Udaan द्वारा जनहित में जारी। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन समय की है आवाज यही सुगम भारत अभियान सफल हो सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों सरकारी कार्यालयों स्कूल अस्पताल पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है ताकि दृष्टि बाधित श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सके। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत सशक्त भारत विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन पैसे का आकार एक सा हो चला है छूने से उलझन ना मिट पाएगी अब पैसा कैसे जोड़ोगे जब खुद ही ना जुड़ोगे। मैं रोहित त्रिवेदी दृष्टिहीन नागरिक भोपाल से पैसा पूछे पहचान कौन। आई रजनी गोपाल ब्लाइंड सिटीजन फ्रॉम बेंगलोर पैसा पूछे पहचान कौन। इस्तेमाल के लायक ना सही पैसा ताकत देता है यदि छूने से अंतर ना पहचानोगे तो इस पैसे की ताकत को कैसे अपनाओगे। हम दृष्टिहीन नागरिकों द्वारा हमारे हित में कॉइन्स नोट्स एवं डिजिटल करेंसी के बदलाव को समर्थन दीजिए। लॉगिन कीजिए tinyurl.com/AIC petition यानी के tinyurl.com/AIC petition। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए tinyurl.com/facebook AIC। एक्सेसिबल इंडियन करेंसी कैंपेन लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब आपकी। एक और पैटर्न समझते हैं। सीरीज देता हूं एक और 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्वेश्चन मार्क 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्वेश्चन मार्क। कुछ ध्यान आ रहा है कि ये किस तरह की सीरीज हो सकती है। ये एक प्राइम नंबर की सीरीज है अभाज्य संख्या की सीरीज है। दो भी प्राइम है तीन भी प्राइम है उसके बाद 5 उसके बाद 7 फिर 11 फिर क्वेश्चन मार्क 11 के बाद 13 कह लो तो फिर क्वेश्चन मार्क फिर क्या आएगा नंबर अगला 17। अब आप इसमें यदि डिफरेंस निकालेंगे मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले सब्ट्रैक्ट ढूंढना होता है आपने डिफरेंस निकाला आप यहां पर ठीक नहीं कर पाओगे आप उलझ जाओगे इसलिए आपको कुछ एक पैटर्न अपने माइंड में सेट करके चलने हो ठीक है। अगर यहां पे आपने 4 देख लिया कहीं भी या ऐसा नंबर देख लिया जो कि भाज्य है मतलब प्राइम नहीं है फिर आपकी प्राइम नंबर की सीरीज रही ही नहीं वो फिर आपको उसमें मोड ही नहीं मारना है। आपने देख लिया कि 6 आ गया तो 6 ना तो किसी का स्क्वायर होता ना ही क्यूब होता है उसमें भी मोड नहीं मारना है। ये चीज वो है जो आपको कैच करनी है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि कैच करने वाली चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस तरह के पैटर्न को एग्जामिनर या एक कोई भी एक पर्टिकुलर बुक अपनाती है ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं पहले ही कह चुका हूं ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेंदी होगा क्योंकि मेरे को अधिक से अधिक बातों को इस एक पर्टिकुलर लेक्चर के अंतर्गत कवर करना ही है ठीक है। जो मेन प्रश्न होंगे हम अगले लेक्चर में लेंगे लेकिन जो रूल्स हैं या जो पैटर्न्स होते हैं वो बताना मेरे लिए अति आवश्यक आप मान सकते हैं। अब समझिए कि
यहाँ पर वो किस तरीके के माइंड्स को वो यूज करते हैं। चलिए एक सीरीज देता हूं। सीरीज है आपकी 0, 3, 8, 15, 31 क्वेश्चन मार्क, 0, 3, 8, 15 क्वेश्चन मार्क। अब ये सीरीज थोड़ी सी टफ हुई। क्यों टफ हुई? क्योंकि अब आप करोगे, पैटर्न आपको मिल सकता है माइनस करने में भी, पर मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो समझिए। ये जो सीरीज डेवलप हुई है वो हुई है स्क्वायर माइनस वन, मतलब वन का स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर होता है वन, वन माइनस वन जीरो, पहला अंक आ गया जीरो। टू का स्क्वायर माइनस वन, टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस वन, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन माइनस वन यानी कि एट, फोर का स्क्वायर माइनस वन, फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन, फाइव का स्क्वायर माइनस वन, ओके फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर आएगा अगला नंबर। इस बात को आप समझ रहे हैं? हो सकता है मैंने 15 के बाद 31 बोल दिया होगा, वो थोड़ी एक मिस्टेक हो गई होगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे? आप इस तरीके की सीरीज को वो दे देते हैं एग्जाम में, माइनस वन कर दिया, माइनस टू कर दिया, प्लस वन कर दिया, प्लस टू कर दिया, जस्ट लाइक दिस। ओके Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Love. दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड।
रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। इस तरह की एक सीरीज होती है या एक सीरीज आपको इस तरह की मिल सकती है। पहला नंबर आपका हो जाएगा 2 और दूसरा नंबर 6, तीसरा नंबर 12 और चौथा नंबर पूछ लेगा, ठीक है। मैं और मुझे खुद एफर्ट लगाना पड़ रहा है बनाने का, वरना मैं आगे भी बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर हो जाएगा 20, यानी कि 2, 6, 12, 20। पांचवा नंबर पूछ लेगा आपसे अगला नंबर क्या आएगा। एक तरीका क्या है कि आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे, 2 और 6 में 4 का डिफरेंस, 6 और 12 में 6 का डिफरेंस, 12 और 20 में 8 का डिफरेंस। पहले 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, अगला डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। पहले 4 का था, फिर 2 बढ़ के 6 का हुआ, फिर 2 बढ़ के 8 का हुआ, फिर 2 बढ़ेंगे 10 का हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 20 में आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि पहला जो अंक है 2 वो कैसे बना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1। दूसरा अंक 6 कैसे बना, 2 का स्क्वायर प्लस 2। तीसरा अंक 12 कैसे बना, 3 का स्क्वायर प्लस 3। चौथा अंक 20 कैसे बना, 4 का स्क्वायर प्लस 4। हो गया। अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 प्लस 5 30। तो आपसे प्रश्नों को पूछने का नजरिया उसका कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप मान के चले। बस ये हमें अपने माइंड का यूज करना है कि वो क्या पैटर्न को अपना रहा है, और पैटर्न एक ही तरह का होगा चाहे वो किसी भी रूप में हो। एक ही तरीके का मतलब है, हो सकता है कि पहले में प्लस करवा रहा हो फिर माइनस भी करवा रहा हो, प्लस माइनस ऐसे करवा दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले प्लस करवाए फिर 2 माइनस करवा दे, फिर 1 प्लस करवाए फिर 3 माइनस करवा दे, ऐसा नहीं होगा। प्लस माइनस का एक साथ भी ले सकता है, जैसे एक सीरीज लेते हैं 2, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क, 2, 5, 9, 19, 37 क्वेश्चन मार्क। देखिए 2 और 5 ये आपके सामने, 2 के बाद 5 है, इसमें क्या किया हमने, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके +1 किया, 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5। लेकिन 5 के बाद 9 कैसे आया, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 हो गया। अब 9 के बाद 19 कैसे आया, 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब देखो 19 के बाद यहां 37 दे रहा है, तो 19 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, यानी कि प्लस माइनस ये हुआ। अब 37 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा वो आ जाएगा आपका 75, 37 मल्टीप्लाई 2 74 प्लस 1 75। तो इस तरीके के किसी भी प्रश्न को वह आसानी से पूछ सकता है, इतना आप मानकर चले, ठीक है। तो आपने कई तरह के पैटर्न अभी मैंने आपको समझाए हैं, और मान के चलिए कि जितने मैंने आपको समझाए हैं वो बहुत ही कम है, अभी तो ये काफी पैटर्न्स आने वाले हैं। और सबसे पहले आपको क्या चीज चेक करनी है वो अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अंकों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ये सबसे बड़ा रूल समझ लीजिए। अगर आपने सबसे पहले सब्ट्रैक्ट को करके अपने चेक करके देखा तो आप मान के चलिए कि काफी हद तक आप सही स्तर पर पहुंच जाएंगे। सब्ट्रैक्ट किस तरीके से, दूसरे में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, फिर आप चेक करो कि क्या कोई पैटर्न बन रहा है। यदि बन रहा है गो अहेड, यदि नहीं बन रहा है तब कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है किसी और पैटर्न पर मूड मारने का, राइट। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम-ए-गज़ल के तमाम सामईन
हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शामे गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12, और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू, और सुनते रहिए शामे गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े हो रेडियो उड़ान इज अ ट्रेजर ऑफ एंटरटेनमेंट। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है। मैं हूँ आरजे वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह, मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ड। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। आई एम इंस्पायर्ड बाय रेडियो वर्ल्ड एंड व्हाट अबाउट यू। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है। तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी। नमस्ते, नानु कन्नडद ध्वनि अल्पना। नमस्कार, मी बांग्ला आवाज पाया। నమస్కారం, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. వణకం, నాన్ తమిళన కురల్ వాణి. నమస్తే, మే హిందీ కి ఆవాజ్ నీల్ హూ. హాయ్, ఐ యామ్ రిషి, వాయిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్. జబ్ యే ఇండియన్ వాయిసెస్ ఏక్ సాథ్ స్క్రీన్ రీడర్ సాఫ్ట్వేర్ మే జుడ్తీ హై తో బన్తా హై ఇండో NVDA. तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज़ सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 01164650655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। एक काम अब आपको करना है, वो यह है कि आप स्क्वायर्स और क्यूब को याद कर लीजिए। अगर आपने याद अभी तक नहीं किए हैं तो बहुत मदद करने वाला है। कुछ अवाज्य संख्याओं को एक बार स्टडी कर लीजिए, मतलब प्राइम नंबर्स की आप एक बार स्टडी कर लीजिए, ठीक है। इतना काम अब आप कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगले लेक्चर में मैं आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस से अब अवगत कराऊंगा, मेनली जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ जिस तरह का पैटर्न उसने यूज किया है वो पैटर्न मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। उस पैटर्न को आपको समझना होगा कि यार ये किस तरीके के पैटर्न को अपना रहा है। शुरुआत में आपको टफ भी लग सकता है और इजी भी लग सकता है, पर मैं चाहूंगा ना तो टफ लगे ना इजी लगे, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो, क्योंकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई सारे लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं जानता हूं कि अगर शुरुआत में भी टफ भी लगेगा तो देन आपको धीमे धीमे इजी लगेगा, लेकिन यदि शुरुआत में इजी लगेगा तो धीमे धीमे आपको टफ भी लगेगा। इसलिए आप एक केवल अंडरस्टैंडिंग बनाइए प्रश्न में। अभी ये मत डिसाइड करना अभी शुरुआत में कि ये टफ होते हैं या इजी होते हैं, सिर्फ एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि मेरे को केवल समझना है अभी किस तरह के पैटर्न को यूज कर रहा है। जब हम लोग 15-20 क्वेश्चंस को कर लेंगे, 15-20 क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, तब आप मान के चलिए जब 21वां क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यार ये इस तरह के पैटर्न का हो सकता है, क्योंकि तब आपका अभ्यासित हो चुके हो आप। और यदि आपने 15-20 क्वेश्चन में अपनी मेंटेलिटी बना ली, 20 क्वेश्चन में आपने अपनी मान लीजिए मेंटेलिटी बना ली क्या ये तो टफ है,
तो 21वां क्वेश्चन आपका कितना भी इजी क्यों ना हो आप गलत कर जाओगे, ये आपको टफ ही लगेगा। और यदि आपने ये मेंटेलिटी बना ली कि प्रथम 20 क्वेश्चन तो इजी है, आगे इजी ही आएंगे, तो थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चंस क्या होगा आप वही मात खा जाओगे। इसलिए सिर्फ कुछ क्वेश्चंस तक या पहले 20 क्वेश्चन में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जनरेट करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ओके। और इसका मेन कारण यही है कि जो पैटर्न्स होते हैं अधिक से अधिक वो हम कवर कर सकें। तरह तरह के प्रश्न आएंगे आपके सामने, तो पैटर्न क्लियर करना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैं जानता हूं आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया है तो अब आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको मेरे को फीडबैक सेंड करना है। आ गया है तब भी फीडबैक सेंड करना है। आपके पास कोई और तरीका हो इस तरह के प्रश्नों को डील करने का, वो आप मेरे को फीडबैक में बताएंगे, ठीक है। हम लोग प्रश्नों को आगे लेंगे और समझेंगे। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डीजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियो उड़ान पे। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। दोस्तों, अब तक हमने जो चीज सीखी है, या कहूं कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया था, वो था कि क्या किस तरह के पैटर्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं नंबर सीरीज को लेकर। और बहुत तरीके के मैंने आपको पैटर्न बताए थे, आपको प्लस के, माइनस के, मल्टीपल के, टेबल के, ओके, बहुत सारे पैटर्न्स पे हम लोगों ने बात की थी। अब उन पैटर्न्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके अधिक से अधिक एग्जांपल्स को समझेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न को हम लोग अपनी मुट्ठी में ले लें। मुट्ठी में लेने का सेंस है एक बार तो हम पढ़ लें उसे, उसके पश्चात प्रैक्टिस में ले आए। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, एग्जाम में हम लोग जब एंटर करें तो हम इतने कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि यस, आई हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं इस तरीके का प्रश्न कर चुका हूं या कर चुकी हूं। जब आपके मन में एक बार ये चीज आ जाएगी कि यस आई हैव डन, यस आई कैन डू, देन यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ रीजनिंग इन एक्चुअल वे। तभी आपको सही मायनों में समझ में आ पाएगा कि रीजनिंग का बेसिक क्या है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रीजनिंग को जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने मन में एक ही पॉइंट को अपने दिमाग में रखें, यस आई कैन डू, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, ओके। ये रीजनिंग के लिए समझे कि बहुत बड़ा बेसिक पॉइंट है, यस आई कैन। चलिए अब हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं और तरह तरह के एग्जांपल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए सीरीज है आपके सामने 4, 7, 12, 19,
28 क्वेश्चन मार्क, 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो तुरंत सॉल्व करने लग जाएं बिना मेरी बात पर ध्यान दिए, और जो लोग न्यू कमर हैं या पहली बार रीजनिंग को समझ रहे हैं या वो लोग हैं जिन्होंने आज तक रीजनिंग पढ़ी नहीं है, सिर्फ रीजनिंग के प्रश्नों को देखकर छोड़ देते हैं, वो लोग मेरी बात को ध्यान से समझें। मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में कि सबसे पहले हम जो कैलकुलेशन करके देखेंगे वो होगी सब्ट्रैक्शन की, राइट? मतलब दूसरे से पहले को माइनस करो, तीसरे से दूसरे को, चौथे को तीसरे से, यानी कि हमें सीरीज के बीच में डिफरेंस काउंट करना है कि डिफरेंस सीरीज के बीच में क्या है। ये हमारा पहला मोटिव होता है, उसी मोटिव को हम लोग यहां पर अपनाएंगे। ठीक है, 4 7 12 19 28 क्वेश्चन मार्क, ये आपकी सीरीज है, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अच्छा, 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है? 7 माइनस 4 करोगे तो कितना हो गया? 3। ओके, 7 और 12 में कितने का डिफरेंस है? 5 का। 12 और 19 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 19 और 28 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 7 और 12 में 5 का, मतलब सबसे पहले 3 का डिफरेंस, देन 5, देन 7, देन 9। पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 9 का हुआ। कोई चीज समझ में आ रही है? कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? 3 और 5 में कितने का डिफरेंस रहा? डिफरेंस के डिफरेंस में डिफरेंस निकाल रहे हैं। 3 और 5 में डिफरेंस 2 का, 5 और 7 में डिफरेंस 2 का, 7 और 9 में डिफरेंस 2 का, मतलब एक पैटर्न आपके पास तैयार हो रहा है। सबसे पहले देखिए, फिर से एक चीज को समझिए, 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 7 और 12 में 5 का, 12 और 19 में 7 का, 19 और 28 में 9 का, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या आएगा? 11। एक एक छोड़ के आ रहा है ना, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद क्या आएगा? 11। यानी कि 28 और 11 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 39। यानी कि आपका जो डिजिट के आएगा वो क्या आएगा? 39, 39। मैं दीपेंद्र मनोजा आपको बता रहा हूँ स्मार्ट केन के बारे में। स्मार्ट केन वो डिवाइस है केन के ऊपर लगने वाला, जिसकी की मेन पर्पज है सेफ मोबिलिटी देना, घुटनों के ऊपर का जो ऑब्स्टिकल्स है उनको डिटेक्ट करना इसका मेन मकसद है। व्हाइट केन हम लोग जैसे नॉर्मल यूज करते हैं उसका बिल्कुल नॉर्मल यूज वैसे का वैसा ही करना है, लेकिन स्मार्ट केन उसके ऊपर सिर्फ ये चीज ऐड करता है कि घुटनों से सर तक के अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपको हर्ट ना करें। उदाहरण के तौर पे रास्ते में अगर कोई ट्रक खड़ा है या फिर सड़क पे अगर कोई जानवर खड़ा है, इस तरह की ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करना 3 मीटर के डिस्टेंस से इस स्मार्ट केन से पॉसिबल हो जाता है। दूसरा इसके कुछ यूज़ है, बिना टच किए ऑप्टिकल का पता लगना, ये हमारी स्मार्ट केन की वाइब्रेशन के पैटर्न से ही हमें पता लग जाए कि हमारे लेफ्ट या राइट या आमने सामने कितनी दूर तक कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ है कि नहीं। इसी तरीके से लाइन क्यू को फॉलो करना, इस तरह की चीज़ों में विद डिग्निटी चल पाना स्मार्ट केन के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। और इसके चीज़ों को समझ में अगर इसके वाइब्रेशन पैटर्न से हमें क्या बता रहे हैं, तो इतना अगर हम पेशेंटली अगर इसको सीख लें तो ये बड़े काम की चीज़ है जो हमारी सेफ्टी और इंडिपेंडेंस और विद स्पीड मोबिलिटी को एनहेंस कर देंगे। समझिए हमने क्या किया है, हमने एक पैटर्न देखा कि सबसे पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है, तो अगला जो पैटर्न बनता है वो 11 के डिफरेंस से बनेगा। मतलब जो भी फिगर आएगी उसमें और 28 में 11 का डिफरेंस होना चाहिए, तो हमने क्या करा, 28 में 11 को ऐड कर दिया, 39 हो गया। अब 39 में से आप 28 को माइनस करेंगे, एक्चुअल में आपका 11 ही आएगा, वो आप अपना सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए ओनली, अदरवाइज आपने जब सॉल्व ही उसी से किया तो आपको चेक करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ये आपने एक पैटर्न अपनाया और आंसर पाया आपने 39।
मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रीजनिंग के जितने भी हम लोग पार्ट्स को समझेंगे या जितने भी मेरे लेक्चर आएंगे रीजनिंग पर, वो बड़े हो जाएंगे, लेक्चर लेंथी बनेंगे। उसका रीजन है कि मेरे को हर एंगल आपको बताना होगा समझाने के तौर पर, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे को इस चीज में कॉपरेट करें, ओके। और यदि आपका कॉपरेशन मेरे को अच्छा मिलता है देन डेफिनेटली यू विल फाइंड मी माई वर्क बेटर, ओके। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी, कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। अगला प्रश्न करें, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न में पैटर्न क्या कह रहा है। सीरीज है आपकी 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क, 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क, ओके। तीन बार मैंने इसलिए बोला ताकि आपके मन में ये रहे कि यस आपको पूरी सीरीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो लोग सॉल्व करें, आंसर को फाउंड आउट करें, और जब मैं आंसर बताऊं उसे चेक कर लें कि उन्होंने सही किया या नहीं किया, और नहीं किया तो उन्हें समझने की भी आवश्यकता है कि कैसे हो रहा है। सबसे पहला काम डिफरेंस निकालेंगे और पैटर्न को पता करने की कोशिश करेंगे। 11 और 13 में डिफरेंस कितने का है? 2 का, राइट। 13 के बाद कौन सा नंबर है? 17। 17 और 13 में डिफरेंस 4 का, मतलब पहले 2 का डिफरेंस था, फिर कितने का आया? 4 का। 17 के बाद कौन सा नंबर दे रहा है? 19। 17 और 19 में कितने का डिफरेंस? 2 का, ठीक है। फिर 19 और 23 में कितने का डिफरेंस? 4 का। ये चीज समझ में आ रही है आपको? 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का। 23 के बाद कौन सा नंबर दे रहा है आपको प्रश्न में? 25, यानी कि सही है, 2 का डिफरेंस हो गया। तो 25 के बाद कितने का डिफरेंस आएगा? 4 का। 25 और 4 29, आपका 29 आंसर हो गया। सीरीज आपकी क्या थी? 11, 13, 17, 19, 23, 25 क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले 2 का अंतर, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, तो अगला कौन सा होना चाहिए? 4 का। तो 25 और 4 29, इस तरीके से ये पैटर्न था, उस पैटर्न पर सॉल्व हो गया। अब आपको इजी लग रहा होगा, यार ये तो बहुत आसान है। यस आई कैन। ये जो पैटर्न्स है आपको बहुत ही माइन्यूटली सर्च करने पड़ेंगे किस तरीके के पैटर्न दे रहा है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो एक सामान्य स्तर के हैं, इजी प्रकृति के हैं, सरल प्रकृति के हैं। धीमे धीमे कुछ प्रश्न आपके टफ बनेंगे, चिंता मत कीजिए, टफ प्रश्नों को भी हम लोग उतनी ही सरलता से समझने की कोशिश करेंगे जितने की एक सरल प्रकृति के प्रश्न को मैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, राइट।
अभी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4। तेरा नंबर आ गया, all the best। Good morning everyone। The topic of my speech is environment। Environment is the surrounding in which we live। It is a source of life। Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment। काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीरीज है आपकी 6, 12, 21, ? 48, 6, 12, 21, ? 48, 6, 12, 21, ? 48। यहां तक ठीक है, सीरीज आपको क्लियर हो गई। चलिए पहला काम डिफरेंस निकालने का फाइंड आउट करते हैं। 6 और 12 में डिफरेंस 6 का, 12 और 21 में डिफरेंस 9 का हो गया। ठीक है, ठीक है, पहले 6 का डिफरेंस था फिर 9 का डिफरेंस आया। अगर एक वे में देखा जाए तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए? देखो 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है, मतलब जो आपका पहला डिफरेंस क्या आया, 12 और 6 में डिफरेंस आया 6 और 12 और 21 में डिफरेंस आया 9। तो 6 और 9 जो डिफरेंस निकल के आए उनमें कितने का डिफरेंस है? 3 का, राइट। तो अगला जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि 6, 9, 12 डिफरेंस में, मतलब 12 और 6 में 6 का डिफरेंस हो गया, 21 और 12 में 9 का डिफरेंस हो गया, अगला 12 का डिफरेंस हो जाए, 6, 9, 12 फिर 15। ये सीरीज बन सकती है ना, एक पैटर्न समझ में आ रहा है। तो समझते हैं क्या ये पैटर्न सही है या नहीं, अपना के देखते हैं। तो 21 में 12 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो अब हमारे सवाल का आंसर हमारा कब 33 सही होगा? जब 33 और अगला नंबर हमें दे रहा है 48, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15 हो। यस 15 है, क्योंकि पैटर्न किस तरीके से बना, 6, 9, 12, 15, फिर अगला जो शब्द अंक आएगा वो 18, अगला आएगा वो कौन सा 21। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आगे की सीरीज तक को। ठीक है, तो 33 हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले 6 का डिफरेंस था, फिर 9 का आया, फिर 12 का होगा। तो 12 का डिफरेंस कब होगा? जब 21 में हम 12 को ऐड कर देंगे, 33 हो गया। अब कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? 15 का। तो 33 के बाद 48 है, 15 का डिफरेंस है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ओके, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो क्या बात है, गाने शाने, एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। ओह रियली, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा इसी फोन का कमाल है, शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान, वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है, जहाँ पर मैथ से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इन्फॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजे द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है।
That's great यार। अच्छा कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है, प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजीएस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक प्रश्न को और मैं चाहूंगा करना, ठीक है? इस प्रश्न के बाद मैं आपको रेस्ट दे दूंगा, फिर देखते हैं आगे के हिसाब से। अगला प्रश्न है आपका, अगली सीरीज है आपकी 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 2027। 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 2027। 2, 5, 9 क्वेश्चन मार्क 2027। यहां तक क्लियर है? सेम रूल, फर्स्ट फाइंड द डिफरेंस। 2 और 5 में डिफरेंस कितने का? 3 का। 5 और 9 में डिफरेंस कितने का? 4 का। देखिए पहले 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? यस, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, रियली 5 का। अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना? तो पहले 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 5 और 9 में 4 का, अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 5 का। तो 9 और 5 14, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन मार्क में आना चाहिए वो आना चाहिए 14। लेकिन अभी हमारा प्रश्न हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं आगे चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं सीरीज जो हम पैटर्न सोच रहे हैं वो ऐसा पैटर्न अपना ही ना रहा हो, उसका पैटर्न कुछ और ही हो। तो समझो, सबसे पहले 3 का डिफरेंस था, फिर 4 का था, हमने 5 का डिफरेंस मानते हुए 9 और 5 14 कर दिया। तो अगला कितने का होना चाहिए डिफरेंस? 6 का। क्या 14 और 20 में डिफरेंस 6 का है? यस है। फिर 20 के बाद कौन सा नंबर दे रहा है आपको? 27। 20 और 27 में क्या 7 का डिफरेंस है? हाँ है। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा पैटर्न जो हमने सोचा वो बिल्कुल ठीक निकला। 3 का फिर 4 का फिर 5 का फिर 6 का फिर 7 का, ये हमारी डिफरेंस की सीरीज बनी हुई है। तो इसी सीरीज को हमने समझा किन रूल से? सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके देखो आपको अपना आंसर मिल रहा है या नहीं, ठीक है? चलिए इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं और आपसे फीडबैक की अपेक्षा करते हुए आपसे विदा लेता हूं। मुझे आपका फीडबैक चाहिए, ये मेरा आप आदेश समझें चाहे कुछ भी, मुझे आपका फीडबैक निश्चित तौर पर चाहिए। आपके पास यदि नंबर नहीं है तो नोट करें 9758303742, 9758303742। आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या क्या आप कर सकते हैं इस नंबर से। मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कितनी सुविधा लोगे। ओके, तीनों तरह की सुविधाएं आपके पास, और हाँ मिस कॉल भी मार सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक। ओके, बट हाँ मेरे पास एक क्लू होना चाहिए कि आपका मैसेज हो या व्हाट्सएप हो, देन आई विल कॉल यू बैक श्योर। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। Radio Udaan is a treasure of entertainment. Good evening, namaskar, sat sri akal, adab. आजकल लोगों का स्टेटस उनकी सेल्फी और डीपी बताती है। मैं हूँ आजय वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आज डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। मी आरजे निशा इज हियर विद द शो बुक वर्ड। Stay positive, stay happy, stay healthy. जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। आई एम इंस्पायर्ड बाय रेडियो वर्ल्ड एंड व्हाट अबाउट यू? रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। स्टे ट्यून्ड।